हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ज्योति स्टडी सेंटर। ज्योति स्टडी सेंटर में हम इंग्लिश ट्रांसलेशन तथा बेसिक इंग्लिश के बारे में बात किया करते हैं। आज का हमारा ये वीडियो इंट्रोडक्टरी देयर के यूज़ के बारे में है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी देयर के यूज़ को समझने से पहले फ्रेंड्स, आइए हम मॉडल सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो देखते वो मॉडल सेंटेंस क्या है। एक बंदर है, देर इज अ मंकी। एक किसान है, देर इज अ फार्मर। एक राजा था, देर वॉज अ किंग। एक रानी थी, देर वॉज अ क्वीन। दो घोड़े हैं, देर आर टू हॉर्सेस। कुछ फूल हैं, देर आर सम फ्लावर्स। वहाँ एक बाघ है, देर इज अ टाइगर। वहाँ दो हाथी है, देर आर टू एलिफेंट्स। ऊपर के अंग्रेजी वाक्यों में ऊपर के अंग्रेजी वाक्य देर से शुरू किए गए हैं। इस देर का हिंदी में कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। ऐसे वाक्यों में पहले देयर आता है, फिर वर्ब सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। जैसा कि हम ऊपर के मॉडल सेंटेंसेस में देखे हैं कि दो घोड़े हैं, यहाँ पे दो है, दो घोड़े हैं, इसलिए यहाँ पे आर का इस्तेमाल हुआ है। और जहाँ पे एक है वहाँ पे इज का, अर्थात देयर वर्ब के पहले आता है और सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपने इंट्रोडक्टरी देयर के यूज़ को आसानी से समझ लिया होगा। निम्न डिस्क्रिप्शन तथा मॉडल सेंटेंसेस के सहारे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल का नाम है ज्योति स्टडी सेंटर। ज्योति स्टडी सेंटर में हम इंग्लिश ट्रांसलेशन तथा बेसिक इंग्लिश के बारे में बात किया करते हैं। तो टिल देन, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।